आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दीजिए। लो उसने छींक मार दी, रुको 5 मिनट अभी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सुबह के एक्चुअली 10:30 हो गया है, काम कर करके अभी तो पसीना पसीना दिख रहा होगा। पहले खाना खा लो बाद में करो जो करो। आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दीजिए। और मैं जा रही हूँ आज वो शिवी को लेने के लिए जो। हैप्पी बर्थडे मम्मा, खुश रहो। ये तीसरी बार इसने प्रणाम किया है। कल रात को मुझे 1 बजे इसने प्रणाम किया, फिर सुबह जब ये सो के उठ के आया था मुझे प्रणाम किया, अभी कैमरा के ऊपर भी। सोया था क्योंकि वो आपके लिए वो सरप्राइज बना रहा था, तो आपको सरप्राइज तो अभी दिखेगा। दिख गया, अभी अभी ट्रेन में जाते जाते देखूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं प्राइवेट रख दूंगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ अभी शिवी को लेने के लिए, और उसको लेके आना क्योंकि उसका इस साल का सेमेस्टर खत्म हो गया, मतलब उसकी इस साल की जो पढ़ाई है वो खत्म हो गई है नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर वो अभी जा रही है अपने घर, उसका कल या परसों का जब भी कभी उसका ट्रेन रहेगा, जो भी उसका टिकट रहेगा, चाहे जैसे भी जा रही है, हाँ वो जा रही है, तो उसको अभी मैं लेके आ जाऊंगी। आज पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है, शाम को देखते हैं कहाँ का प्लानिंग है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, हस्बैंड का कॉल आ गया है। हमें निकलना था 10 बजे, टाइम हो रहा है 12:02। आज बनाए हैं अंडा करी, जैसा भी बना है मैंने फटाफट बनाया क्योंकि लेट हो रहा था। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी। अरे हाँ, घड़ी पहन, घड़ी दे दो। लो उसने छींक मार दी, रुको 5 मिनट अभी। भाई साहब ने छींक मार दी है, थोड़ा सा तो मानती हूँ। हाँ मानना चाहिए भाई, काम खराब हो जाता है। दोबारा छींक मारो एक बार, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। कोई निकल रहा हो घर से तो पीछे से टोकना नहीं चाहिए और छींक नहीं मारना चाहिए, समझे? सोफिया कॉलेज, चुप रहे, सोफिया कॉलेज जा रहे हैं हम लोग। मुझे नहीं पसंद आती है सब चीजें, इतनी घटिया सी हैं। मैंने कल क्या बनाया आपके लिए, आप बता भी नहीं रही हो। अरे हाँ, कल रात को नोनी ने रात को 12:01 इसने मेरे लिए चॉकलेट बनाई। मैं तो सो रही थी धाड़ एकदम, ये रात को आई 12 या 1 बजे आई अंदर मेरे सोते के। इसने वीडियोस भी बनाए हैं, उसी दिन पे ही है, बना रहा था। हाँ, और फिर आके मुझे इसने वो चॉकलेट खिलाई हैप्पी बर्थडे बोल के। ये बहुत लगी रहती है इस सब काम में, कोई गिफ्ट नहीं दिया था। अबे अभी रात तक लगा रहा। तुमने गिफ्ट मंगाया मेरा? नोनिया ने मेरे लिए काउलिन क्ले मंगाया है एक्चुअली गिफ्ट में, और इसने एक चीज और मंगाई हुई है मेरे लिए, वुडन बाउल्स मंगाए हुए जो कि मेरे रेमेडी में यूज में आएंगे, तो इसने मुझे वो गिफ्ट किया। और आवी ने मुझे एक एनिमेशन कुछ बना के दिया है इसने, जो कि मैंने, जो कि आप इसके चैनल पे जाके देख सकते हैं, आदित्य गॉड ऑफ थंडर पे। पसीना बहुत आ रहा है, तो मैं निकल रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। लगाया हो तो अभी मत देखिएगा, अभी मिलेगा नहीं चैनल पे, तो ये शायद से 7 बजे के बाद मिलेगा। ठीक है, ऑटो से जा रही है पहले यहाँ से स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से फिर ट्रेन लेंगे, ट्रेन ही मिलती है स्टेशन से एक्चुअली। मैं भी क्या कुछ भी बोलती हूँ, और पहुँचने में एटलीस्ट 1 घंटा कम से कम जाएगा क्योंकि मास्क नहीं उतारेंगे ट्रेन में, ट्रैवल करने का मजा आता है। मन था मास्क, एक्चुअली मन था, पहले मैं उतारने वाली गलती कर रही थी। क्या तुम हमेशा ऐसे दिखाती रहती है? किसमें आप बताओ मुझे थोड़ा। मैं डब्ल्यू मीडिया में काम करती हूँ, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ओके, आई एम वर्किंग एज अ टेक जर्नलिस्ट, यहां रिसेंटली स्टार्टेड। दो प्लेट है ना, ये क्या है? चिकन चिली। एक प्लेट और है, पूछो। हाँ वो आ रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है, एक वेज है एक नॉन वेज है?
ये वाला नॉन वेज है, ये वाला वेज है। मैं तो रात में नहीं खाऊंगी, इधर भी अभी जब भी वीडियो देखेगा ना पछताएगा कि मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि उसका फेवरेट खाना हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। इतना टेस्टी खाना कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन में, और इतना सस्ता, मतलब 40 रुपीज़ का फ्राइड राइस है और 50 रुपीज़ का नॉन वेज फ्राइड राइस है, शेजवान फ्राइड राइस है, इतना टेस्टी कि मतलब मैं नोनी तो बोले मैं यहीं पे पढ़ाई कर लूँगी मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना इतना सस्ते में मिल जाएगा यहाँ पर। मुझे लगता है बहुत साल बाद में ऐसे कांच की बॉटल से फैंटा पीने का मजा आया। बचपन में पापा पिलाते थे, मेरे डैडी जो थे, इस तरह की कांच की बॉटल में हम लोग अक्सर पिया करते थे। कि बाहर से आ रहे हो तो पूरा सर्वर पूरा धोना पड़ेगा, तो नहा धो के हो गया है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर हमें जाना है बाहर, क्योंकि आज डिनर हम लोग बाहर करने वाले हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे है इसके लिए। नहीं है वो ऐसे ही है, नोनी का चेन हमने लिया अभी, और ये मैंने लिए हैं, सुपर बने, अच्छे दिखने में थोड़े से हैवी हैं, लेकिन ये हैवी नहीं है, ये पैपिलॉन है और वो अलग था। हम लोग आए हैं अभी क्या नाम है रेस्टोरेंट का, पैपिलॉन। डेफोडिल में हमने खाना खाया था, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे पनीर कड़ा ही ठीक है, लेकिन टिक्का मसाला बेकार है। अरे बाप रे, लिटरली गिविंग द पोटा, देखो कैसे पोजेस दे रही है। अरे बट मैं तो व्लॉग बना रही हूँ, आप मेरे व्लॉग में आओगे। नाइस है, सिखा दो वो ऐसे रट्टू को बोलती है। हाँ, हम लोग घर पर डिनर करके और अब हम करते हैं इस व्लॉग को खत्म मीठा खाके। हम लोग घर पे लेके आ गए आइसक्रीम्स, पापा अपनी फेवरेट लेके आए हैं, फ्रूट नहीं मिक्स ड्राई फ्रूट है, और बच्चों ने अपनी ली है चॉकलेट, और मैंने दोनों ले ली हैं क्योंकि मुझे दोनों पसंद है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो एक विश करके जरूर जाइएगा मुझे, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे बोलना बनता है। वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देके जाइएगा, और इसी तरह से मेरे व्लॉग देखते रहिए ताकि मुझे थोड़ा सा बूस्टअप मिले बहुत सारे व्लॉग्स बनाने का। तो मिलते हैं किसी और अच्छे व्लॉग में, दोबारा से जब मैं वीडियो बनाऊंगी मैं अपलोड करूंगी, और इसी तरह से आपका प्यार मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बना के रखें। बाय बाय, गुड नाइट।